नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिला जेल में बंद कैदी की मौत का मामला सामने आया है। मृतक कुछ दिन पहले ही चोरी का सोना खरीदने के आरोप में पकड़ा गया था। पूरे मामले में अब जेल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल पिछले दिनों जेल में एक चोरों का बड़ा गैंग पकड़ा गया था, जहां चोरों ने कई चोरियों को कबूल किया था। चोरी के दौरान मिले हुए आभूषणों की जानकारी पर चोरों ने इसे शहर स्थित गुलाब ज्वेलर्स में बेचना स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर गुलाब ज्वेलर्स के मालिक गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके पास से भारी मात्रा में खरीदे गए चोरी के आभूषण भी बरामद हुए थे। पुलिस ने चोरों के साथ उसे भी जेल भेज दिया था। वहीं बीती रात जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां भर्ती कराने के 2 घंटे के दरमियान ही रात लगभग 11:15 बजे उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल की CMS नीता साहू के मुताबिक मरीज को जब अस्पताल लाया गया था तब वो बेहोश था और उसे झटके आ रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से वो जेल अस्पताल में भर्ती था, जहां हालत मरणासन होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था। CMS ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी, जिसे बचाने के सारे प्रयास किए गए पर सारे ही विफल रहे। जेल अधीक्षक के इस मामले की जानकारी के लिए उनसे संपर्क किया गया पर सारे प्रयास विफल रहे। विराट 24 न्यूज के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट।